हाँ सर, दिनांक 22/8/2019 को परिवादी आनंद कुमार निवासी चरखी दादरी हरियाणा ने पुलिस थाना कोतवाली में एक प्रकरण दर्ज करवाया, जिसमें उसने बताया कि रेटिकेट फैशन मॉल प्राइवेट मार्केट लिमिटेड कोई कंपनी है, जिसका कार्यालय सीकर में सम्राट सिनेमा के पास गली में ऊपर है। तो वहाँ वो लोग उसे भारी प्रलोभन देके और चैन सिस्टम में मल्टी लेवल मार्केटिंग का सपना दिखा के और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जोड़ के उसको आगे से आगे चैन बना के और पैसे भारी प्रलोभन देके कमीशन के रूप में उनको उससे 1,64,000 रुपये की ठगी कर ली, जिस पर प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण दर्ज होने के पश्चात मेरे द्वारा इसके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ में सबसे पहले कार्यालय की खाना तलाशी ली गई, उसमें जो भी संबंधित इसके रिकॉर्ड थे कंपनी के और जो बेनिफिट्स के स्टेप थे और जो इनके लेवल था, जिस लेवल से ये करते थे, उनका क्या प्लानिंग थी और कैसे करते थे, उसके बारे में जो कंपनी के मैनेजर वगैरह थे उनसे पूछताछ की गई है। और उसमें सामने आया कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी थी और इनका प्रोडक्ट था, ये संगरूर बेस्ड कंपनी है, पंजाब में इसकी हेड ऑफिस है और इसका MD है अंकुश कुमार। वो वहाँ संगरूर में एक जीन्स टी शर्ट्स और रेडीमेड आइटम्स की एक कंपनी रन करता है और वो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपने उस बिज़नेस को आगे बढ़ाता है। तो वो इस तरह बेरोजगार नौजवानों को 3-3 दिन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ बुलाता है और ट्रेनिंग से बुलाने के पश्चात इसका इंटरव्यू लेता है और उस इंटरव्यू के बाद इनको कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में इनको सपने दिखाए जाते हैं किस लेवल में जुड़ना चाहते हैं। इनके कंपनी के अलग अलग लेवल थे, एंट्री लेवल थे, जैसे 8,000 रुपये में एंट्री लेवल था, 40,000 का एंट्री लेवल था और 1,00,000 रुपये का एंट्री लेवल था। तो उसमें ये जुड़ने के सपने दिखाते हैं और फिर नीचे चैन सिस्टम बना के जितने मेंबर बनाते हैं उतना उसका कमीशन उस हिसाब से इनको देते हैं। तो परिवादी आनंद कुमार ने अपना 40,000 रुपये के स्टेप में इसने ज्वाइन किया और इसको प्रलोभन दिया कि अगर तू एक ही दिन में अपने 3 मेंबर बनाता है तो तेरे को और ज़्यादा कमीशन मिलेगा, तेरे सारे रुपए रिफंड हो जाएंगे। तो उसने हाथों हाथ अपने माता पिता और बहन तीनों के नाम से अपने नीचे इसने और मेंबर बना दिए। तो इस प्रकार उसने 1,64,000 रुपये कंपनी को दे दिए। तो ना तो कंपनी ने इसको कोई आइटम दिया रेडीमेड कोई वस्त्र वगैरह और ना ही कोई इसको पैसे वापस दिए। और इस तरह कंपनी यहाँ लोगों से और भी लोगों से इस तरह कंपनी ठगी कर रही है। अभी प्रकाश में आया, अभी जो 10-15 लोग हैं उन्होंने भी इस तरह की शिकायत की है, तो उनको एक जगह क्लब करके और इसका अनुसंधान किया जा रहा है। अभी हमने इस प्रकरण में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें MD अंकुश कुमार है, ये संगरूर का निवासी है और ये कंपनी का मुख्य कर्ता धरता है। ये पूर्व में भी चंडीगढ़ में इसी तरह की कंपनियों में मल्टी लेवल कंपनी थी उसमें वर्किंग करता था और जो यहाँ ब्रांच मैनेजर है सीकर का वो भी इसके साथ वर्किंग करता था, दोनों कोएलिजन था और यहाँ इन्होंने एक ब्रांच डाली सीकर के अंदर और इस तरह ये लोगों को बेला फुसला के प्रलोभन का बना दे के इंड्यूस करके और उनसे प्रॉपर्टी ले रहे थे, पैसे ले रहे थे और इस गिरोह का बस्ट किया इस ग्रुप को और इसमें 4 लोगों की हिरासत में लिया। अभी इनसे अन्वेषण किया जा रहा है। हिरासत में लिए कौन? एक अवतार सिंह है, ये पुलिस थाना सुधार जिला लुधियाना का है। दूसरा विक्रम सिंह है, ये निवासी किशनपुरा थाना गोविंदगढ़ का है। मिक्का सिंह है, ये सिरसा हरियाणा का है और इसका जो मेन MD है अंकुश कुमार, ये संगरूर का रहने वाला है। और लगभग कितने मेंबर बना चुके हैं? अभी सीकर में लगभग प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने 600 मेंबर करीब बनाना स्वीकार किया है। कितने ठगी लगभग होकर? अभी लगभग करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने ठगी का अभी सामने आया है।